तो दोस्तों आज ये गाड़ी आई है निशान मैग्नाइट ही है गाड़ी। इसमें देखिए चेक एबीएस लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। कस्टमर की वीओसी ये है कि जब गाड़ी हमें थोड़ा सा चलाता हूँ तो लाइट आती है, मतलब कुछ किलोमीटर मतलब या 100-200-150 मीटर चलने के बाद लाइट आती है चेक एबीएस, बट अब ये परमानेंट आने लग गई है, ठीक है। अभी देखो इग्निशन ऑफ है, ऑन ऑन कंडीशन में चेक एबीएस रह जाएगा। अभी स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट हो गई, अभी चेक एबीएस लाइट शो कर रही है। सिस्टम में चेक करेंगे क्या डीटीसी बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, इस लाइट को आज बंद करेंगे। चलो फिर। तो फ्रेंड्स एबीएस के अंदर जो डीटीसी आ रहा है, ये एबीएस है, इसमें आ रहा है C0034 फ्रंट राइट साइड व्हील स्पीड सेंसर सर्किट CO, यानी सर्किट ओपन। अभी हम फ्रंट राइट का टायर खोलेंगे, चेक करेंगे। दूसरा FFD ये कब आया था, ये चीज चेक करेंगे, 38-53, ठीक है। और देखो फ्रंट राइट साइड, मैं आपको डाटा समझाता हूँ पढ़ते कैसे हैं। ये जो फ्रंट लेफ्ट का है 0 स्पीड दिखा रहा है, अभी गाड़ी खड़ी है, ठीक है ना, तो स्पीड 0 ही दिखाएगा खड़ी गाड़ी में। बट जो राइट का है, फ्रंट राइट का 655 किलोमीटर प्रति आवर, यानी राइट हैंड साइड जो है, फ्रंट राइट हैंड साइड उस तरफ कुछ ना कुछ इशू है। उस टायर को खोलेंगे, चेक करते हैं, इससे क्लियर हो गया राइट साइड में इशू है, डीटीसी से भी क्लियर हो रहा था। अभी सारे डीटीसी एक बार डिलीट करते हैं, डीटीसी सब डिलीट, अभी ये प्रेजेंट में है। अब टायर खोल के चेक करते हैं जरा। तो दोस्तों फ्रंट राइट साइड का ये सेंसर होता है और ये प्रॉपर कनेक्टेड भी है इसमें। अब जरा ऐसे खोलो, जरा सेंसर को बाहर निकालो, एंड यहाँ पर जो इसका कनेक्टर है वायरिंग वाला, इसमें भी लगा हुआ है ये यहाँ पर, ये कनेक्टर है, ठीक है। तो इसको खोलेंगे अच्छे से, एक बार सेंसर को भी चेक करेंगे। इधर से ये सेंसर कटा वटा कहीं नहीं दिख रहा, कनेक्टर भी लग रहा है, तो थोड़ा सा चलते हैं आगे, वायरिंग चेक करेंगे। तो अभी ये सेंसर मैंने बाहर निकाला है, तो अभी सेंसर पे देखो कितनी रस्ट है, मिट्टी देख रहे हो इस पर, पहले इस मिट्टी को साफ करेंगे हम, इसमें देख रहे हो, इसको साफ करेंगे, उसके बाद अच्छे से इसको दोबारा लगा के चेक करेंगे। अभी मैं दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, सेंसर के अंदर देख रहे हो, यहाँ अंदर जहाँ पे सेंसर रहता है कितनी मिट्टी है इसमें, इस मिट्टी को भी साफ करना है खोल के अच्छे से, फिर उसके बाद गाड़ी में लगाएंगे सेंसर को वापस से, फिर एक बार चेक करेंगे डीटीसी प्रेजेंट में हुआ कि नहीं हुआ, या जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। अच्छे से अभी इसको नक्कल को खोलेंगे इस तरफ से, यहाँ जो एक्सल है ना इसके, इसको एक्सल को बाहर करके बढ़िया से साफ करेंगे, इस सेंसर को धोएंगे, फिर लगा के एक बार चेक करते हैं। तो एक्सल बाहर आ गया है, बाबू इसे हाथ पकड़िए जरा, और अभी हमें चेक करना है बैरिंग। ये देख रहे हो बैरिंग के ऊपर कितनी मिट्टी है, ये देखो मैं हाथ से छुटाऊंगा, देख रहे हो, हमें ये बैरिंग की मिट्टी साफ करनी है, पहले बहुत ज्यादा मिट्टी है, इसको साफ करना है, फिर इसके बाद चेक करना है। बाबू इधर हाथ छोड़ दो, तो ये जो इस पे मिट्टी है ना साइडों में, ये क्योंकि जो सेंसर लगता है, ये सेंसर यहाँ से आएगा ऐसे, अब इसके बीच में मिट्टी आ गई, तो स्पीड को सेंस नहीं कर पाए, समझ गया। तो इसको अच्छे से एक बार साफ करो, सेंसर को भी और इसको भी, ध्यान रहे अंदर रस्टोप नहीं जाए, मारो मत कपड़े से साफ करो, अच्छे से दोनों चीजें साफ करो और लगाओ प्रॉपर। तो अभी ये साफ हो गया है, पहले हालत इसकी मिट्टी में थी, बहुत ज्यादा गंदा था, अब ये सेंसर भी साफ हो गया है, ठीक है। सेंसर को अब हम लगाते हैं वापस से, और ये लग गया, अब लग रहा है ना जेन्युइन सा, अब इसको लगाते हैं फिर देखते हैं गाड़ी में कोई दिक्कत है कि नहीं। सेंसर लग गया, हाँ जी पता नहीं, ये नट टाइट हो जाएगा एक्सल का। पहले तू बैरिंग भी लग गया है, अब एक बार फिर से चेक करते हैं डीटीसी पास्ट में आया या डिलीट होता है कि नहीं होता है। चलो तो अभी जरा देखते हैं डीटीसी डिलीट होता है कि नहीं होता, चेक कर भाई। वैसे ये प्रेजेंट में है, डिलीट होगा नहीं है, तो ये डीटीसी अभी भी आ रहा है। तो अभी हमें वायरिंग और चेक करनी पड़ेगी इसकी, एबीएस से कनेक्टर तक, एक जो अपना एबीएस सेंसर है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो एबीएस का कनेक्टर है ये अभी निकाला है मैंने, इसको निकाल के ये भी निकाल लिया,
और वहां तक जो सेंसर है, ठीक है, वहां तक जहां लड़का हाथ चला रहा है वहां पे वो कनेक्टर है सेंसर का, तो उस सेंसर तक वायरिंग की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कटी पिटी तो नहीं है कहीं से, ठीक है। वायरिंग अगर ओके है तो फिर कुछ और देखेंगे। तो ये जो कनेक्टर है हमने यहाँ ले लिया इसका, ठीक है, पीछे से आ रहा है वहां से, देख रहे हो उस वायरिंग से। मल्टीमीटर से हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एबीएस से यहाँ तक, अभी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हमें चेक करने के लिए यहाँ पर रखना होता है, ठीक है। अब तार आपस में हम टच करते हैं तो ये बीप साउंड करेगा, इस तरीके से साउंड करना चाहिए, छोड़ दो। अभी यहाँ पे हम एक पिन पे लगाएंगे और उधर एबीएस के कनेक्टर पे, इधर एबीएस की 16 नंबर पिन में लगाएंगे। कंटिन्यूटी आती है अगर इस तरीके से बीप साउंड आता है तो वो वायरिंग ओके, नहीं है तो फिर हमें वायरिंग खोल के चेक करनी पड़ेगी। तो अभी हमें 2 नंबर पिन पे हमने उधर लगा लिया, इधर 2 नंबर पिन पे हमने लगा लिया इसको। अभी हम यहाँ 16 पे लगा बाबू, यहाँ ही रे, इसे पकड़ ले तू बस। यहाँ तक 1 से 13 हो गई और ये हो गई 14, 15, 16। सही से लगा भाई? तो ये यानी हमारी 16 नंबर पिन ओके है और 2 नंबर पिन वहां पर ओके है। अभी हमें 4 और 1 पे चेक करनी है। तो ऐसी हमें 2 नंबर पे और 4 पे करनी है, 1 नंबर पे और 4 पे करनी है। अभी वहां उधर 1 पे लग गया है तो यहां से देखिए 1, 2, 3 और 4 दोनों पे कंटिन्यूटी प्रॉपर आ रही है, इसका मतलब वायरिंग ओके है। अभी हम कनेक्टर लगाएंगे और डीटीसी डिलीट करके चला के देखते हैं। ओके है तो अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट का सेंसर राइट में लगा रहे हैं, दोनों की सेम कंडीशन मतलब सेम होते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमने लेफ्ट राइट का निकाल के लेफ्ट में लगा दिया और ये इस तरफ का था लेफ्ट हैंड साइड का, इस सेंसर को उधर लगाएंगे। अभी सेंसर की अदला बदली भी कर दी फिर भी लाइट आ रही है अभी भी, देखिए डीटीसी अभी भी प्रेजेंट में है और इधर का ही है। अब इसकी पूरी वायरिंग उधेड़नी पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी तभी बात बनेगी। परेशान हो गए भाई इससे तो हम। तो भाइयों फॉल्ट हमने ढूंढ लिया है, पॉसिबल यही केस लग रहा है मुझे, और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम इस एबीएस के अंदर मिलेगी। तो अभी मैं इसको आपको दिखाता हूं। अब यहां पर इन कस्टमर कह रहा है कि मैंने ये गाड़ी बाहर भी चेक करवाई थी और उसने वायरिंग रिपेयर भी कर दी थी। आज मैंने बात की मगर भाई ठीक क्यों नहीं हो रही, वायरिंग में कंटिन्यूटी भी आ रही है, प्रॉपर है, पर ये गाड़ी ओके क्यों नहीं हो रही। तो जब मैंने इसकी वायरिंग उधेड़ी तो आप यहां समझना, एक पे आती है पावर सप्लाई, एक वायर पे, यहां तक वायरिंग बिल्कुल ओके है। ये देखो एक पे आती है पावर सप्लाई और एक होती है सिग्नल की, ठीक है। ये व्हाइट वाली जो है, व्हाइट पे ब्लू, ये है सिग्नल की और ये होती है ग्रे पे ब्लू, ये होती है पावर सप्लाई की सेंसर पे। अभी यहां देखना आप उसने क्या गलती करी है, जो सिग्नल वाली वायर है उसमें जोड़ दिया सप्लाई वाला तार और जो सप्लाई वाला तार है उसमें जोड़ दिया सिग्नल वाला, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है, जो एबीएस सेंसर है वो तो अपना काम वही करेगा ना, सिग्नल वाली वायर को सिग्नल देगा और सप्लाई वाली वायर से सप्लाई लेगा, बट यहां उल्टा हो गया कनेक्टर पे। अभी पहले इसे हम सीधा करके लगाते हैं फिर चेक करते हैं, वैसे गाड़ी मुझे लग रहा है यही फॉल्ट था, ओके हो जाएगी। तो अभी हम सप्लाई वाली जो वायर है मतलब जो सेम वायर है इन्हीं में इसको लगा रहे हैं, इसको भी इसमें लगाएंगे और टेप मारेंगे अच्छे से, एकदम जेन्युइन फिटिंग जैसे होती है वैसे ही करेंगे इसको। तो अभी वो पैक कर दी जेन्युइन तरीके से, फिक्स कर देते हैं बढ़िया से एकदम वायरिंग को, बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे जैसे ही खुली ना हो। तो प्रॉपर पूरी वायरिंग को फिक्स करके टेप वेप मार के हमने लगा दिए, जेन्युइन एकदम फिटिंग करेंगे जैसी भी है। वहां पर वो सेंसर था उस तरफ, वहां से वायरिंग कट रखी थी अंदर, ढूंढना भी बहुत आसान नहीं होता है ऐसे इस फॉल्टों को यार, पर ढूंढ के ही मानते हैं हम भी, टीम बहुत खतरनाक है मेरी। तो बस अब इसको करते हैं, अभी ये लग रहा ठीक हो जाएगी, अभी देखते हैं डीटीसी पास्ट में गया या डिलीट होता कि नहीं होता। तो अभी वायर हमने लगा दिए, अब इग्निशन ऑन करते हैं फिर से, इग्निशन ऑन
अभी लाइट चली गई, एबीएस मतलब ठीक हो गया। अभी स्कैन भी करेंगे, देखते हैं वो पास्ट कोड पास्ट में गया कि नहीं गया। यहाँ इससे वो मत होना कंफ्यूज कि एबीएस की लाइट अभी भी आ रही है, क्योंकि जब कंसल्ट लगता है तो देखो ये कोड पहले करंट में था, डिलीट नहीं हो रहा था, अब ये डिलीट भी होगा, पास्ट में चला गया है। प्रेस करो इसको, ये कर दो। अब सिस्टम में कोई भी डीटीसी नहीं है, पहले वो कोड क्रैश नहीं हो रहा था। एक छोटी सी लापरवाही टेक्नीशियन से इतना बड़ा कलेश करवा देती है। कोई बात नहीं, अभी मैं इसको स्टार्ट भी करता हूँ और लाइट चली गई। अब कोई लाइट भी कंसल्ट हटाओ जरा, जैसे ही सिस्टम हटाएंगे हम इसके, हटाते ही लाइट भी जो ब्लिंक कर रही है ये भी हट जाएगी। वीआई निकाल लो तो ये देखो, ये यहाँ से हमने सिस्टम को ऑफ कर दिया, ये लाइट भी चली गई। इग्निशन ऑफ है, चाबी मेरे पे बाहर है, ऑन करूंगा, इग्निशन ऑन, लाइट नहीं है, स्टार्ट भी कर लेते हैं। अब गाड़ी ओके हो गई। ये ऐसी ऐसी लापरवाही प्रॉब्लम कर जाती हैं। तो यही था इस वीडियो में, ये छोटी सी लापरवाही गड़बड़ कर जाती है। कोई बात नहीं, टेक्नीशियन से गलती हो गई, चलो फिर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।